जजेस को मशकूक चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल, खत सीटीडी के हवाले। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को भी मशकूक खतूत भिजवाए गए। जजेस के नाम आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs बना लिए गए। कुरियर कंपनीज और पोस्टमैन डाक डिलीवर करने से पहले सिक्योरिटी रूम में चेक कराएंगे। जजेस के नाम आने वाले खतूत को DSP सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जजेस के स्टाफ अफसर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत किसने भिजवाए? खोज लगाने के लिए CTD की 3 टीमों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 2 टीमों का ताल्लुक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद और 1 का लाहौर से है। 1 टीम पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द मार्केटों में मौजूद लोगों से तफ्तीश करेगी। दूसरी टीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुतल्लिका CCTV फुटेजेस, जबकि लाहौर CTD की टीम रावलपिंडी और सेक्टर I-10-2 के पोस्ट ऑफिसर की CCTV पर काम करेगी। PTI की कयादत में ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कमर कस ली। कोर कमेटी ऐलामिया के मुताबिक पहला बड़ा अवामी इज्तमा 13 अप्रैल को बलूचिस्तान के जिला पशीन में होगा। कोर कमेटी इजलास में आला अदलिया के जजेस को मशकूक खतूत के जरिए हिरासा करने की भी शदीद मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मुतालिबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुसल्ला अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी और इक्तसादी तरक्की में मुसल्ला अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी की लानत को कौम के तआवुन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इजहार। फिर जो पॉलिटिकल फैशिज्म है, जो दैट हैज टर्न्ड इनटू टेररिज्म, रिजॉर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज का रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी पंजाब के इजलास से खिताब। चीनी बाशिंदों को VVIP सिक्योरिटी देने की मंजूरी। जनूबी पंजाब के जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद। कहा सियासी फैशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका। 9 मई को एक सियासी जमात ने मुल्की अस्करी तनसीबात पर हमले करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। ऐसा करके दुनिया को क्या पैगाम दिया गया? अक्वामे मुत्तहदा ने पाकिस्तान में माशी तरक्की और महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। सालाना सर्वे में कहा कि रवा माली साल पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% और अगले साल 2.3% रहेगी। इस साल महंगाई 26% और 2025 में 12% पर आ जाएगी। बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई का फैसला। हाल ही में वजीर आजम से टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड वसूल करने वालों को ऑनर कार्ड दिए जाएंगे। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मुराद और सहूलियात 1 साल के लिए दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब से सेनेट की 12 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अहद चीमा, परवेज रशीद, तलाल चौधरी और नासिर महमूद कामयाब। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आजाद हैसियत में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान, MWM के राजा नासिर अब्बास की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 2 साल कैद और 1,00,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।
सिंध हाई कोर्ट ने पीएस 112 की माड़ी में दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली सरबुलंद खान की दरख्वास्त पर समाअत, फरीकैन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। पीएस 112 में दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को कामयाब करार दिया गया। सिंध हुकूमत का ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मंसूबों का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट कराची और मीरपुर खास में नए मंसूबों का आगाज करेगा। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला नए मंसूबों का हिस्सा। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के दरमियान मुफ्त शटल सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी तावन, पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगु। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, निमटने के लिए मुश्तरिका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का अजलास। रवां साल गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए की मंजूरी। रकम बैंकों से गंदम खरीदारी और स्टॉक के लिए कर्ज ली जाएगी। सिंध, बलोचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। सिंध 100 अरब से 10 लाख टन जबकि बलोचिस्तान 50,000 टन गंदम खरीदेगा। ECC ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की असम्बली की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि दरसी कुतुब की फरहमी में ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिला में CEO एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म बनाने का फैसला। वज़ीर आला की हर जिला के एक स्कूल में खसूसी बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की हिदायत। डिवीजन की सतह पर ख्वाजा सराहों के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक कराने पर इत्तफाक। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन का इस्तीफा मंजूर। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आमना कामरान को आरजी प्रिंसिपल लगाने की मंजूरी दे दी। माइकल ए थॉमसन बैरून मुल्क चले गए। साबिक प्रिंसिपल ने गवर्नर पंजाब की जानिब से अहद चीमा के बच्चों की फीस माफी की मंजूरी पर शदीद इख्तलाफ किया था। मेरी और शाहिद भाई की और मुस्तफ़ा की यह ख्याल है कि कोई लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए। ये काफ़ी नहीं है कि एक मरतबा वो वज़ीर आलम बन गए या मैं दो मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना बन गया, लेकिन इस मुल्क के लिए कोई बेहतर चीज़ छोड़ के जाए। नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, चाहते थे सबके साथ मिलकर मुल्क की मसाइल हल करें लेकिन कोई तैयार नहीं था, मजबूरन नई जमात बनाना पड़ी। मिफ्ता इस्माइल की बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर नई जमात पर काम कर रहे हैं। हमारी जमात में कोई लीडर ताहयात नहीं होगा। पार्टी सरबराह 3 साल के लिए मुकरर किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा।